मजा आया। तो भाई आज की इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो, आज की इस वीडियो का टॉपिक है सेंसिटिविटी। अब देखो, आज से पहले आप लोगों ने सेंसिटिविटी सेटिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज की जो वीडियो होने वाली वो तुम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाली है। अब यहाँ पर मैं कोई भी सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बात करूँ, उससे पहले जितने भी लोग आज की इस वीडियो को देख रहे हो, मैं तुम सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन फैमिली उसको कम्प्लीट करवाया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोगों ने यहाँ तक मेरे को सपोर्ट किया है, वैसे ही तुम आगे भी सपोर्ट करते रहोगे। अब मेरी तुम सभी से शुरू में एक छोटी रिक्वेस्ट और है कि देखो, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज की इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हो, आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिव अवे और चलेंगे। आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड वो दूंगा। तो इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है। कमेंट बॉक्स में जाके आप लोगों को बस अपनी यूआईडी साथ मैसेज डाल देना है। तो आप में से 5 रैंडमली बंदों को मेरी तरफ से मैं 100-100 करके डायमंड वो दे दूंगा। चलो भाई, अभी हम बात करते हैं सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बात, लेकिन उससे पहले मैं आपको सेंसिटिविटी के बारे में एक छोटी सी चीज और है जिसके बारे में बताने वाला हूँ। अब कहीं देखो, आप में से 90% बंदे ऐसे जिनको सेंसिटिविटी को लेके हमेशा एक प्रॉब्लम रहती है। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंसिटिविटी को लेके आप लोगों को कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है। अब देखो, आप में से 90% बंदों को हमेशा एक प्रॉब्लम आती है कि आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके घंटों भर प्रैक्टिस करते हो, तब जाके आप लोग सेंसिटिविटी क्रिएट कर पाते हो। लेकिन जब आप लोग सेंसिटिविटी सेटिंग क्रिएट करते हो, तब तो आप लोगों के बन टैप भी अच्छे पड़ते हैं और हेडशॉट भी अच्छे पड़ते हैं। लेकिन आप लोग जब 2-3 घंटे बाद गेम खेलते हो, या फिर दूसरे दिन गेम खेलते हो, फिर तीसरे दिन गेम खेलते हो, उस टाइम पे आप लोगों के उस सेंसिटिविटी पे ना तो बन टैप पड़ते हैं, ना ही आप लोगों के हेडशॉट पड़ते हैं। और इसके साथ ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि जब भी फ्री फायर के अंदर अपडेट आता है, उस टाइम पे तो आप लोगों में से 90% बंदों की सेंसिटिविटी पूरी की पूरी बिगड़ जाती है। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि फ्री फायर के अंदर 2 अपडेट आते हैं, एक तो होता है आप लोगों का बड़ा वाला अपडेट और दूसरे होते हैं आप लोग के मिनी अपडेट, जो कि आप लोगों के 2-3 दिन के अंदर आते रहते हैं। बड़ा वाला जो अपडेट है वो 3-4 महीने के बाद आता है। और इसके साथ ही आप में से बहुत सारे बंदे एक काम और करते हैं कि आप लोग किसी भी यूट्यूबर की सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको कोई भी सेंसिटिविटी बता दी, आप लोग उसे कॉपी कर लोगे, दूसरे किसी यूट्यूबर की सेंसिटिविटी आप लोग देख के उसको कॉपी कर लेते हो। आज से आप लोगों को इन झमेलों में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेंसिटिविटी सेटिंग बताने वाला हूं जिसका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों के ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे और आप लोगों को कभी भी अपनी सेंसिटिविटी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो भाई, अभी हम बात करते हैं सेंसिटिविटी सेटिंग के बारे में बात, वो भी प्रूफ के साथ। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूं या फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूं, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। जैसे ही आप लोग अपनी सेंसिटिविटी के अंदर जाते हो तो यहां पर आपको टोटल 6 सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, जिनमें से आप लोगों की 3 तो होती है स्कोप सेंसिटिविटी, 1 होती है फेलोक सेंसिटिविटी और 2 होती है आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी और रेड डॉट सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी के अंदर सबसे नीचे जो सेंसिटिविटी होती है वो होती है फेलोक सेंसिटिविटी। अब फेलोक सेंसिटिविटी ना तो आप लोगों के बन टैप मारने के काम आती है, ना ही आप लोगों को हेडशॉट मारने के काम आती है। तो फेलोक सेंसिटिविटी को आप लोग अपने मन के हिसाब से कितना भी एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आती है आप लोगों की स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी। स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी को मैं हमेशा 90% करके रखता हूं। आप लोग भी इसे अपने मन के हिसाब से अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में जाके कितना भी रख सकते हो। और देखो, अभी मैं आपको एक चीज और सिखाने वाला हूं, ठीक है? इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप लोग मेरी सेंसिटिविटी कॉपी मत करना, लेकिन आप लोगों को इस चीज को ध्यान से देखना है, क्योंकि आप लोगों को वीडियो तभी समझ में आएगी। स्नाइपर स्कोप सेंसिटिविटी के बाद आती है आप लोगों की 2x स्कोप सेंसिटिविटी और 4x स्कोप सेंसिटिविटी। ओके, देखो यहाँ पर जो 3 स्कोप सेंसिटिविटी है वो आप लोगों की तभी वर्क करती है जब आप लोग अपनी गन का स्कोप ओपन करते हो। आप अपनी गन का स्कोप कब ओपन करते हो? जब एनिमी लॉन्ग रेंज में होता है, तो उस टाइम पे आप लोगों को हाई सेंसिटिविटी की जरूरत पड़ती है। तो आप लोगों को मैं हमेशा यही बोलूंगा कि इन दोनों सेंसिटिविटी को आप लोगों को 100 पे ही सेट रखना है, या फिर आप लोग अपने मोबाइल के हिसाब से खुद ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाके ये पता लगा सकते हो कि हमको 2x कितना रखना है, 4x कितना रखना है, यानी आप लोगों को जूम करना है और उसके बाद बंदे को मारना। आप लोग खुद ब खुद पता चल जाएगा कि मेरे को 80% पड़ रहे हैं, 90% पड़ रहे हैं, पर मेरे 100% पड़ रहे हैं। तो ये तो आप लोगों की 3 स्कोप सेंसिटिविटी के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं आप लोगों की जनरल सेंसिटिविटी और रेड डॉट सेंसिटिविटी। तो जनरल सेंसिटिविटी चाहे आप लोग मेल लगा लो, चाहे कितने बड़े बड़े प्लेयर हैं, फ्री फायर के अंदर जो भी बंदा खेलता है वो हमेशा 95+ ही रखते हैं अपनी जनरल सेंसिटिविटी को। 95+ का मतलब होता है कि आप लोग 96, 97, 98, 99, 100 तक कितना भी रख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको ये बोलूंगा कि आप लोग इसे 95+ रखो, जैसे मैं हमेशा अपनी जनरल सेंसिटिविटी को 98 सेट करके रखता हूँ। और उसके बाद आती है आप लोगों की रेड डॉट सेंसिटिविटी। रेड डॉट सेंसिटिविटी को मैं उतना रखता हूँ जितना मेरी जनरल सेंसिटिविटी होती है। जैसे अगर मेरी जनरल सेंसिटिविटी 98 है तो मैं रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी 98 पे रखता हूँ। अगर मेरी जनरल सेंसिटिविटी 99 है तो मैं रेड डॉट सेंसिटिविटी को भी 99 पे ही रखता हूँ। देखो यहाँ पर ये तो मैंने बताई अपनी सेंसिटिविटी। आप लोग चाहो तो ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर जाके कोई भी एक सेंसिटिविटी सेटिंग बना के तैयार कर सकते हो। अब हम करते हैं मेन प्रॉब्लम के बारे में बात कि आप लोग जब सेंसिटिविटी सेटिंग बना के तैयार कर लेते हो, उस टाइम पे आप लोग बन टाइप और हेडशॉट नेक्स्ट लेवल के पड़ते हैं। लेकिन जब आप लोग गेम बंद कर देते हो, उसके 2-3 घंटे बाद गेम खेलते हो, या फिर 2-3 दिन बाद गेम खेलते हो, या फिर
सात आठ दिन बाद गेम खेलते हो, उसके बाद आप लोगों के उसी सेंसिटिविटी पे ना तो अच्छे बन टैप पड़ते ना सेंसिटिविटी पे आप लोगों के हेडशॉट पड़ते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगा, ठीक है, यानी आप लोगों को वो तरीका हमेशा फॉलो करना है, और कभी भी आप लोगों को अपडेट के बाद या फिर आप लोग दो तीन घंटे बाद या फिर सात आठ दिन बाद कभी भी अपनी सेंसिटिविटी को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम सभी से वापस रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि यार देखो एक वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और मैं आपको अपनी वीडियो में इसे लेकर जब तक पूरा को पूरा एक्सप्लेन करके समझाता हूँ, तो इसके बदले में बस आपके थोड़े से सपोर्ट की जरूरत है। तो मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन दबा देना, चैनल पर अगर आप नए को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना, क्योंकि ये बात तुम सभी को पता है कि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। तो भाई अभी हम बात करते हैं कि आप लोगों को सेंसिटिविटी को लेकर प्रॉब्लम आती है उसे आप लोग सॉल्व किस तरीके से कर सकते हो। तो भाई सबसे पहली चीज तो ये कि आप लोगों ने जो भी अपने मोबाइल के अंदर सेंसिटिविटी रख रखी है, पर आप लोगों को लग रहा है कि मेरी इस सेंसिटिविटी पर अच्छे पड़ रहे हैं बंटे, तो सबसे पहले तो आप लोगों को सेंसिटिविटी का स्क्रीनशॉट लेना। जैसे कि आप लोग सेंसिटिविटी का स्क्रीनशॉट लोगे देन उसके बाद आप लोगों को एक काम करना है कि आप लोगों ने जो भी सेंसिटिविटी अपने मोबाइल के अंदर रख रखी है, जब आपको ये लगे गेम खेलते टाइम कि मेरे बंटे अच्छे नहीं पड़ रहे हैं या फिर मेरे हेडशॉट पहले जैसे नहीं पड़ रहे, तो उस टाइम पे आप लोगों को सिंपल सा एक छोटा काम करना है कि आप लोगों की जो भी सेंसिटिविटी होती है उसे आप लोगों को रीसेट कर देना है। रीसेट करने के बाद आप लोगों को वही सेंसिटिविटी अपने मोबाइल के अंदर वापस से रख लेनी जो कि आप लोगों की पहले थी। इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, क्योंकि आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कि भूल जाते हैं कि मेरी पहले सेंसिटिविटी क्या थी। और इसके साथ ही आप में से बहुत सारे बंदे ऐसे जिनके पास ना तो डायमंड लेने के पैसे ना ही आप लोगों के पास टॉपअप करने के पैसे, तो आज इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। उससे पहले मैं तीसरी बार तुम सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। तो जैसा कि यहाँ पर तुम प्रूफ के तौर पर देख सकते हो कि मेरे पास अभी 36 डायमंड है। जैसे ही आज आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाओगे वहां पर आप लोगों को डायमंड की लिंक मिल जाएगी, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल रखी, तो सिंपली आप लोगों को इस पर टैप करके इसे डाउनलोड करके ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है तो आप लोगों को इसे अनइंस्टॉल कर देना है, आप लोगों को मेरी लिंक से इसे डाउनलोड करना है तभी आप लोगों को फ्री में दो डायमंड मिलेंगे। तो एक बार इसे चेक कर लेना कि आप लोगों ने पहले इसे इंस्टॉल तो नहीं कर रखा है, तो अगर कर रखा हो तो अनइंस्टॉल करके वापस से इसे इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को इसमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आप लोगों के मोबाइल पर एक ओटीपी आता है, तो ओटीपी सिंपली आप लोगों को इसमें फिल कर देना है। जैसे आप लोग इसमें अपना ओटीपी फिल करोगे आपको मिलता है वहां पर 2000 रुपए का वेलकम बोनस, यानी आप लोगों का जो ऐप है वो कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पर आप लोगों को 2000 रुपए का वेलकम बोनस मिलता है। इस 2000 रुपए के वेलकम बोनस को अपने फ्री फायर अकाउंट में लेने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आप लोगों को लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ 3 लाइन देखेंगे, तो सिंपली आप लोगों को 3 लाइन पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आप लोगों को मिलता है बोनस समरी, तो आप लोग जैसे ही बोनस समरी पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को 2000 डायमंड सेलेक्ट करने, अपने गेम की जो आईडी होती है वो सेलेक्ट करने, रिडीम वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग रिडीम वाले सेक्शन पर क्लिक करोगे उसके बाद आप लोगों को अपने गेम के अंदर जाना है, वहां पर आप लोगों को 10-15 सेकंड का टाइम लेना है, उसके बाद आप लोग देखोगे कि आपकी आईडी में 2 डायमंड आ जाएंगे। तो इस ऐप की जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। देखो आप लोगों को इसमें करना भी कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है, उसके बाद आप लोगों को बोनस समरी पर क्लिक करना है, रिडीम वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना, आपको 2 डायमंड मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, अगर आप लोग चाहो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके मैसेज कर देना, मैं वहां पे आपको जो भी कुछ प्रॉब्लम आती है वो सारे के सारे सॉल्यूशन दे दूंगा। लेकिन एक बार मेरे कहने से जाके कमेंट बॉक्स जाके चेक करो, वहां पर जो लिंक है उसे इंस्टॉल करो, डाउनलोड करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा देना, क्योंकि यार आप लोगों के लिए इतना करता हूं तो थोड़ा सा काम आपका भी बनता है कि आप लोग भी अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट दिखाओ। तभी के लिए बाय बाय।